हो गया। अरे वाह, लो तो वही मिल गया, ये रहा वही अपना नंबर तो आ गया, दौलत की चाट। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चोर बाजार के बाद अब तुम्हारा भाई आया सीधा चांदनी चौक की गलियों में, और पीछे मेरा लाल किला आप देख ही रहे हो, और यहाँ से अपने को जाना है बिल्कुल सीधा, ये है अपने चांदनी चौक की स्ट्रीट, और यहीं पे आप आज चांदनी चौक का जो स्ट्रीट फूड है वो ट्राई करेंगे। तो चलो चलते हैं फिर। तो सबसे पहले अपने को यहाँ दिखता है ये जैन टेम्पल पीछे, ये चलो आगे चलते हैं। और सबसे पहले अपने को ये क्रीम रोल, और भाई आगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा और खाने को भी मिलेगा। तो लेट्स गो। सो भाई ये है तुम्हारे भाई की फेमस, ओल्ड फेमस जलेबी वाला, इसकी जलेबी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो चलो ट्राई करते हैं। सो भाई लाइन लगती है देख लो इसके लिए, अभी जलेबी के लिए लाइन में लगना पड़ेगा, तो लाइन में लग गया भाई, और वेट करते अपनी बारी का कि जल्दी से जल्दी आए बस। तो ये रेट लिस्ट है जब बना रहे हैं, लाइन लग रही है काफ़ी लंबी। तो भाई अपना नंबर तो आ गया, अब खा के बताता हूँ कैसी है। बड़ी तो सुखती है भाई, ऐसे रबड़ी के अंदर मिला के गजब। वही सामने वो लाल किला हो गया, और उसके थोड़ा सा आगे आते ही ये ओल्ड फेमस जलेबी वाला है, इसकी यहीं पे है। कहीं ज़्यादा अंदर नहीं गए आपा, वैसे ज़्यादा अंदर नहीं जाने वाला मैं किसी भी गली के अंदर, बस बाहर बाहर से, और बाहर से आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी खाने की, काफ़ी सारी, अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है। और भाई थोड़ा सा आगे आते ही अपना ये गुरुद्वारा शीशगंज साहिब दिल्ली, तो शीशगंज गुरुद्वारा है अपना, कितना खूबसूरत है। और इसके जस्ट बिल्कुल सामने ही अपोजिट डायरेक्शन में अपना ये वाजिवा है, जो खाना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है, इनका बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट खाना है, मैंने काफ़ी बार में खा चुका हूँ यहाँ पे बहुत बार। और चलो आगे चलते हैं फिर। तो काफ़ी सारी आइटम्स हैं यहाँ पे वाजिवा वाले के, यहाँ भी आपको दिख जाएंगी, और वहाँ पे भी पोस्टर्स लगाए हुए हैं। और ये भैया यहाँ पे ये भी सेल करते हैं यहाँ पे। भैया आपकी शॉप है ये? अच्छा सर की शॉप है, क्या नाम है भैया आपका? रोहित मल्होत्रा। रोहित मल्होत्रा जी की शॉप है ये, काफ़ी बार मैं यहाँ पे खा चुका हूँ, और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट खाना है यहाँ का। तो चलो फिर आगे चलते हैं, मैं इतना खा नहीं सकता यार, क्योंकि सुबह मैं ब्रेकफास्ट करके आया था, पेट पे इतनी जगह है नहीं, जो भी लाइट लाइट चीज़ें हैं वो मैं आपको खा के बताऊँगा। तो अपने शीशगंज गुरुद्वारे सामने बिल्कुल चल रहे हैं। एक ये भी बहुत फेमस है भाई, चांदनी चौक का फेमस अमृतसर कुलचा, यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ लगती है आज, पता नहीं कैसी भीड़ नहीं है। इसके भी कुलचे बहुत ज़्यादा फेमस है भाई। और कटरा शहनशाह वालों का यहाँ पे भाई भंडारा लगा हुआ है, लोग ब्रेड छोले खा रहे हैं, ब्रेड छोले खा रहे हैं लोग। और ये सामने आपने कवरंजी भागीरथ मल छोले भटूरे, ये भी काफ़ी फेमस है, काफ़ी सारे लोग खा रहे हैं। इस तरफ देखो यहाँ पे भी, और यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग खा रहे हैं भैया। अब यहाँ का ट्राई करेंगे कैसा है भैया। भैया अभी भी लाइन लगी पड़ी है। सो भैया टोकन दिया गया है इसका, आ गया। अरे वाह, लो सो भाई मिल गया, ये रहा। अब ट्राई करते हैं फटाफट कैसा टेस्ट है इनका। तो भाई ये है भटूरे, और ये है अपने छोले, और सलाद में यहाँ पे ग्रीन चटनी होगी, और प्याज होगी, मिर्च होगी, और गाजर है। तो खा के देखते हैं कैसा है। बढ़िया है, स्वाद है भाई। अच्छा ये तो ट्राई करते हैं।
फुल दे भर के। तो भी भटूरे हमने खा लिए हैं और अभी भी हम रोड पे ही हैं, कभी कोई गलियों के अंदर घुसे नहीं है अभी तक। तो लाल किला उस तरफ है, ये रहा, और शीशगंज गुरुद्वारा ये रहा अभी। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जो ये करंजी भागरे संभल है, ये दोनों अलग हो चुके हैं, पहले ये और ये एक ही शॉप थी, अब दोनों भाइयों की आपस में लड़ाई हो चुकी है, दोनों अलग अलग हो रहे हैं। और जो मार्केटिंग का जो तरीका है वो भी अलग अलग हो रहा है बिल्कुल भाई। दूसरा तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं और जो दूसरे वाला है वो कान में जाके बोल रहे हैं कि यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे बढ़िया मिलती है। अरे एक चीज़ और, पराठे वाली गली जो है बिल्कुल से ये भागीरथ मल जो है इसके लगते ही है, ये अपनी फेमस पराठे वाली गली। सो ये दुकान है, ये दुकान जैसे आप देख रहे हो ये वाली, और एक पराठे का नाम तो मैंने बहुत ही अलग सुना, उसका नाम है टोना टोट का पराठा। तो भाई ऐसे ऐसे नाम रखे हुए यहाँ पे पराठों के, और बहुत ही प्रकार के पराठे, हर तरह तरह के पराठे हैं भाई यहाँ पे, 100 से ऊपर वैरायटी मिल जाएगी आपको यहाँ पे पराठे की भाई। और भाई एक ये बाबू राम देवी, इसके पराठे जरूर खा के देखना। दौलत की चाट भाई, चार पांच दुकानें हैं जो पराठे के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, जो मैंने अभी आपको दिखाई है। सो भाई दौलत चाट जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है दिल्ली की। भैया आपका नाम क्या है? केमचंद आदेश कुमार। केमचंद, फटाफट से खा के बताऊँ कैसी है ये। बढ़िया भाई, स्वाद है, मुंह में डालते घुल जाती है पूरी। एक नंबर, इस दुकान पे भी मैं खड़ा जाता हूँ ना यार, भीड़ लग जाती है उस पे। तो भाई यहाँ से फिर से बाहर आ चुके हैं, वो बिल्कुल रोड के ऊपर ही है। जो दौलत की जो चाट थी भैया एक नंबर की थी, वो दूध से बनाई जाती है, दूध की मलाई वगैरह जो भी है, मतलब दूध से ही बनती है वो, और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट थी भाई, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट, मुंह में डालते ही एकदम घुल सी गई थी। अब ट्राई करते हैं कोई और चीज़, देखते हैं। मैं यार सुबह ही ब्रेकफास्ट वगैरह करके आया था और अपना खा भी नहीं पा रहा हूँ इतना, मैं दिखा दूँगा तो आप आके ट्राई कर लेना भैया। राम नटराज वाला, नटराज दही बल्ले कॉर्नर, नटराज दही बल्ले कॉर्नर वाला, शॉप नंबर 1396 और 1940 में बनी थी भाई ये, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। भीड़ देखो कितनी लगी पड़ी है, ये जो पराठे वाली गली है उस तरफ जस्ट उसके अपोजिट साइड में नटराज वाला, इसकी टिक्की और दही बल्ले बहुत ही ज़्यादा फेमस है भाई, बहुत ज़्यादा। तो ये भी एक रिकमेंडेड प्लेस है मेरी तरफ से आपके लिए। भीड़ बहुत ज्यादा है, भीड़ बहुत ज्यादा है। सो भाई नटराज वाला देख लिया आपने, बंदे के बहुत ही ज्यादा भीड़ है भाई, बहुत ज्यादा भीड़ है। तो भाई जब भी आप आओ यहाँ पे चांदनी चौक की तरफ उसकी गलियों में, तो यहाँ पे जरूर ट्राई करो एक बार, इसके दही बल्ले और इसके टिक्की दोनों बहुत ज्यादा फेमस है भाई। तो भाई लास्ट में बिल्कुल आती है अपने मस्जिद फतेहपुरी, मस्जिद फतेहपुरी, और सामने अपने वही चांदनी चौक की खड़ी है, तो जस्ट बिल्कुल राइट एंगल पे अपना ये छेनाराम है, और इसका जो हलवा है मूंग दाल का और गाजर का जो हलवा है वो भाई तारीफ है भाई, लाजवाब है, लाजवाब। और बिल्कुल लगते ही अपने फतेहपुरी मस्जिद है ये री, बिल्कुल इसके लगते ही है छेनाराम भाई, खा के देखना जी से आ जाएंगे पूरे, एक नंबर की चीज़ है इसका गाजर का हलवा, तो भाई सातवें आसमान पे है, जन्नत है एकदम जन्नत। तो ये मस्जिद के लगते ही अपना ये मलाई पनीर जो है यार, काफ़ी सारी रबड़ी वगैरह जो ये है, और ये पेठा वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, यहाँ पे भी रेट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आगरे का पेठा 160 रुपये और हथरस की रबड़ी 30 रुपये 100 ग्राम की जर्री। जी भैया, भैया आपका नाम क्या है? मोहम्मद नौशाद।
क्या भैया ये रबड़ी है। और जो ये सामने जो आप देख रहे हो ये रेड कलर की बिल्डिंग जो मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी दिखाई थी, कलानी थी हट्टी भाई, एक नंबर की जो रबड़ी है इसकी, बस क्या बताऊँ, नेक्स्ट लेवल की रबड़ी है भाई। पीते ही तुम जन्नत नसीब हो जाएगी पीते ही। चलो चलते हैं भाई। तो भैया लास्ट रिकमेंडेशन है मेरी आपको, कलानीज दी हट्टी, एक नंबर की रबड़ी फलूदा मिलता है इसका भाई, एक नंबर का जो रबड़ी फलूदा जो पियोगे आप इसका। सामने जो एक काउंटर है यहाँ से आपको टोकन देना पड़ता है, फिर वहाँ पे देना पड़ता है। पिछले व्लॉग में भी मैंने आपको दिखाया था पी के, इसका जो अपना रबड़ी फलूदा है पी के, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये कुछ मैंने प्लेसेस थे जो मैंने ढूंढे थे आप लोगों के लिए। तो भाई जब भी आप चांदनी चौक आओ तो यहाँ का स्ट्रीट फूड ज़रूर ट्राई करना जो मैंने आपको बताया है, मज़ा आ जाएगा भाई। नेक्स्ट लेवल है सब कुछ यहाँ पे। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने कवर नहीं करी, तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं वो कवर करूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टिल देन पीस।